हम और आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, पारायण सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। जीवन में व्यक्ति कुछ भी करना चाहे, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। और निवेदन कर दूं, जीवन में कोई भी हो उसको गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। लेकिन एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम कई साल से गुरु जी खोज रहे हैं गुरु, लेकिन कोई मिला नहीं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैं गुरु की तलाश में तो हूं लेकिन कोई गुरु आज तक हमको मिला ही नहीं। एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि गुरु ही योग्य मिल जाने से आप योग्य नहीं हो जाओगे, आपके अंदर भी पात्रता होनी चाहिए। यदि आपके अंदर पात्रता नहीं रहेगी तो निवेदन करूं, दशानन रावण का गुरु कौन था आप सभी लोग जानते होंगे, रावण के गुरु भगवान शंकर थे, शंकर भगवान। और शंकर जी से बड़ा इस धरती पर कौन गुरु हो सकता है कि तुम त्रिभुवन गुरु और वेदो बखाना, वो त्रिभुवन के गुरु है। लेकिन वो महादेव भी रावण के पतन को रोक नहीं पाए, क्योंकि रावण जब गलत मार्ग पर जाने लगा, क्योंकि गुरु तो अच्छा होना चाहिए लेकिन शिष्य की भी पात्रता अपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग उस कथा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आपके भी श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर यज्ञ मंडप में प्रभातकालीन वेला में जो पूजा होता है, जिन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा काशी की परंपरा में वेद ध्वनि होती है, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। ऐसे परम आदरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री दीपक पांडे जी, पंडित श्री उमाकांत तिवारी जी और पंडित श्री राम पांडे जी, आज सभी लोगों का मैं इस धर्म मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। और निवेदन करूं, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं श्रीमद् भागवत का आयोजन करूंगा, नहीं तो गजब गजब लोग होते हैं, कितने लोग तो सोचते रह जाते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएंगे, मैं मैहर देवी में जाकर के दर्शन करूंगा, यानी अपनी मनोती तो मानते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप सभी लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज ये कार्यक्रम अपने पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने पूर्णता के तरफ ये अग्रसर होता जा रहा है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे परम आदरणीय पंडित श्री रामेश्वर पांडे जी, पंडित श्री निगुल पांडे जी एवं समस्त पांडे परिवार, समस्त यजमान परिवार, सभी लोगों का मैं इस धर्म मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं और बड़ी श्रद्धा से आप लोग कथा सुनते हैं। यद्यपि हमें कहने तो कुछ नहीं आता है लेकिन आप लोग बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। और हमारे भैया श्री राकेश पांडे जी, साहब पांडे जी, सभी लोग बड़े प्रेम करते हैं हमसे। यद्यपि इस दास के अंदर कुछ है नहीं लेकिन आप लोगों का प्रेम है, जो आप बैठ करके 8 बजे 9 बजे रात तक आप हमको सुन रहे हैं। आजकल जमाना संगीत का हो गया, संगीत का, सारे लोग संगीत वालों को सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का प्रेम है कि हमको भी आप लोग सुन रहे हैं। निवेदन करूं, एक बार मैं एक जगह कथा करने गया तो एक लड़का पूछा, पंडित जी आप संगीत से क्यों नहीं कहते, संगीत से आप बोला करिए, आपको संगीत अच्छा नहीं लगता क्या? हमने कहा यार हमारी बात छोड़ो, अरे जब संगीत बजता है तो काला नाग नाचने लगता है। जब नाग नाचने लगता है, जब नाग को संगीत अच्छा लगता है तो हमको क्यों नहीं लगेगा? उसने कहा महाराज आप ही संगीत से बोला करिए। हमने कहा मैं बोलता हूं संगीत से, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन निवेदन करूं, जब भी आप परमात्मा का नाम लो तो भगवान का नाम बड़े अनुराग से लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कीर्तन कराते हैं तो कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारे पास राग नहीं है। राग जब राग नहीं है तो हम क्या गाएं? निवेदन कर देना चाहता हूं, परमात्मा ने यदि आपको राग नहीं दिया तो आप राग से मत गाओ, क्योंकि परमात्मा को राग नहीं, परमात्मा को अनुराग पसंद है। आप अनुराग से गाओगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मिले न रघुपति अपिनु अनुराग। आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो भगवान कभी भी अपने प्रेमियों के प्रेम को ठुकरा करके एक कदम आगे बढ़ने वाले नहीं है। परमात्मा कभी अपने प्रेमियों के प्रेम को नहीं ठुकराता है। निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस समय भगवान श्री राम केवट के सामने गए और केवट के सामने जाकर के राम जी ने कहा कि मांगी नाव और न केवट आना तो कहीं तुम्हार अमरम मैं जाना। राम जी केवट से कह रहे हैं कि केवट भैया नाव लेकर के आओ, और केवट कह रहा है नहीं नहीं प्रभु, मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं आओगे? अब केवट ने कहा कि कहीं तुम्हार अमरम मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं आने वाला नहीं हूँ। राम जी ने पूछा कि रे केवट, तुम कौन सा मर्म जानते हो? केवट कहने लगा, जब राम जी से बार बार केवट कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, उस समय हमारे भगवान श्री राम दो कदम आगे बढ़े, केवट के पास जाना चाहते थे। उसी समय राम जी से केवट कहने लगा कि हे प्रभु, जिस रफ्तार से आप मेरे तरफ आए हो उसी रफ्तार से आप पीछे हो जाओ। राम जी ने कहा क्यों हो जाओ? उस समय एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया। केवट ने कहा कि नाव से दूर रहा रचिका। केवट ने कहा कि हे रचिका, हे ब्रह्मांड के रचयिता, आप हमारे नाव से थोड़ा दूर रह के बात करिए। उस समय केवट ने कहा कि नाव से दूर रहा रचिका, अपूर्वा कभी पछिमा का बयारू, आधूल उड़ी बिगड़ी मोरी नाव, तमांगब भीख कहाब बेचारू, आहो तन बाप रती हमें, जब से सुनली चटक मोर तारू, कि राम उहै जे करे पग से, अछुअत पथरा बन गए मेहरारू। आप वही न राम हो प्रभु, जिसके स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री बन गई। तो हे प्रभु, आप हमारे नाव से दूर हो जाइए, यदि आप हमारे नाव से दूर नहीं आओ रहोगे तो आपका चरण यदि हमारे नाव से स्पर्श हो गया तो मेरी नाव की स्थिति क्या होगी? कि तरनी ओ मुनि घर नी होई जाई। उस समय केवट ने कहा कि हे प्रभु, ये हमारी जो नाय है ना, जो तरनी है, ये मुनि की पत्नी बन जाएगी। कि तरनी ओ मुनि और घरनी होई जाई। तो केवट ने कहा कि प्रभु, आप ही बताइए, यदि ये साधारण स्त्री होती तो किसी तरह से मैं अपने परिवार में अडजस्ट कर लेता, लेकिन ये ऋषि की पत्नी बनेगी,
हम याद के केवल गंगा के किनारे मछली खाने वाले और ये ऋषि की पत्नी बनेंगी, हम कैसे रख पाएंगे। कृपया करिए प्रभु आप हमारे नाव से दूर ही रहिए। जब राम जी, मैं पूरा केवट प्रसंग नहीं सुना रहा, बस मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, राम जी जब बार बार केवट को बुला रहे हैं और केवट जब नहीं आ रहा है तो ये गंगा के किनारे घटना घट रही है। अब मैया गंगा को भ्रम होने लगा और गंगा जी प्रकट हो गई और गंगा जी प्रकट होकर के केवट के सामने गई और गंगा जी ने केवट से कहा कि अरे केवट, तुमको भगवान श्री राम बुला रहे हैं और तुम जा नहीं रहे हो। केवट ने कहा मैया मैं जाने वाला नहीं हूँ। जब केवट मना कर दिया तो वही गंगा भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो गई और गंगा जी जब राम जी के सामने खड़ी हुई उस समय राम जी ने पूछा आप कौन हो। उस समय भगवती गंगा ने कहा कि अरे प्रभु, मैं आपके ही चरणों से निकली, मैं गंगा हूँ। उस समय राम जी ने कहा कि अरे गंगा, इस समय तुम हमारे सामने क्यों आई हो। उस समय गंगा जी ने कहा कि अरे प्रभु, हमको भ्रम हो रहा है। राम जी ने कहा क्या भ्रम हो रहा है। गंगा ने कहा कि अरे प्रभु, हमको भ्रम हो रहा है, आप क्या आप वही परमात्मा हो। अब गंगा जी ये सोचने लगी कि यदि ये भगवान होते तो बार बार केवट को बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहा है। यदि भगवान होते तो इनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये चाहते तो गंगा पार कर लेते। लेकिन अब गंगा जी राम जी से कहने लगी। गंगा जी ने कहा कि प्रभु आप वही परमात्मा हो। राम जी ने कहा कौन से। गंगा जी ने कहा कि करई सदा अति न की रखवारी, तो जिमी बालक और राख ही महतारी। क्या कोई परमात्मा हो, जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्या वही परमात्मा हो। राम जी ने कहा हाँ गंगा, मैं वही परमात्मा हूँ। तब गंगा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या वही परमात्मा हो। राम जी ने कहा कौन से। उस समय गंगा जी ने कहा कि बिनु पद चलई सुन ही बिनु काना, तो कर बिनु करम और कर ही विधि नाना, तो आन न रहित और सकल रस भोगी, तो बिनु बाणी और बकता बड़ जोगी। गंगा जी ने कहा कि क्या आप वही परमात्मा हो जो बिना पैर के चल लेते हो, बिना कान के सुन लेते हो, बिना मुख के बोल लेते हो, क्या आप वही परमात्मा हो। राम जी ने कहा हाँ गंगा, मैं वही परमात्मा हूँ। जब राम जी ने कहा हाँ मैं वही परमात्मा हूँ, तब गंगा जी ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु क्या आप वही परमात्मा हो। राम जी ने कहा कौन। उस समय गंगा जी ने कहा कि जो राजा बलि के यज्ञशाला में जाकर के बामन के रूप में आपने तीन पग भूमि मांगा और दो ही पग में पूरे लोक को नाप दिया, क्या वही परमात्मा हो। उस समय राम जी ने कहा हाँ गंगा, मैं वही परमात्मा हूँ। उस समय गंगा जी पपक करके रोने लगी। गंगा जी ने कहा कि अरे प्रभु, जब आप वही परमात्मा हो तो बार बार केवट से को आप क्यों बुला रहे हो और ये मूर्ख आ नहीं रहा है। आप चाहते तो अपना एक पैर गंगा के इस पार और दूसरा पैर उठा कर रख दे तो उस पार चले जाते। इस मूर्ख को आप क्यों बुला रहे हो और ये आ भी नहीं रहा है। इस समय गंगा जी ने कहा। उस समय भगवान श्री राम के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित होने लगी।
राम जी ने गंगा से कहा कि ऐ गंगा कान खोल करके सुन लो, ये राम बिना मुख के बोल सकता है, ये राम बिना पैर के चल सकता है, ये राम बिना कानों का सुन लेता है। मैंने राजा बलि के यज्ञशाला में जाकर हमने तीन पग में तीनों लोग को नाप दिया था, लेकिन केवट हमारा प्रेमी है, ये राम कभी भी अपने प्रेमी के प्रेम को टुकड़ा कर एक कदम आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये राम अपने प्रेमी के प्रेम को टुकड़ा कर एक कदम आगे बढ़ने वाला नहीं है। बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने लिख दिया कि राम ही के वाला प्रेम पियारा। तो भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, इसलिए आइए बड़े श्रद्धा के साथ बड़े भाव के साथ पहले भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, तत्पश्चात समय के अंतराल में ही आप लोगों के बीच में भगवत चर्चा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके पहले आइए मधुर मधुर ताली बजाते हुए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया जाए कि हमारे मन में बस गई न असिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न असिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न असिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न। पूरी मिठाई हमके मन ही न भावे रामा, पूरी मिठाई हमके मन ही न भावे रामा, पूरी मिठाई हमके मन ही न भावे रामा, पूरी मिठाई हमके मन ही न भावे रामा। सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया रघुबीर हो, हमारे मन में बस गई न सिया गए। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए अब समय के अंतराल में ही आप लोगों के बीच में निवेदन करूं, आज के पारायण पाठ को यदि देखा जाए, उज गुरुदेव भगवान के द्वारा जो पारायण पाठ संपन्न हुआ उसमें बहुत से प्रसंग आए, लेकिन आज के पारायण पाठ के गहराई में जाकर के देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता का बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण हुआ। निवेदन करूं मित्र क्या है, मित्रों का परिभाषा क्या होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा मित्र का अर्थ
क्या होता है, तब बाबा ने लिखा कि जिया जो मित्र दुख आओ ना दुखारी अति नहीं बिलो कत पातक भारी। तो मित्र जो होता है ना, मित्र कि यदि आप सुख से सुखी नहीं होते, यदि मित्र के दुख से आप दुखी नहीं होते, तो ऐसे मित्र को देखने में पाप लगता है। इसलिए मित्र का धर्म होता है कि अपने मित्र के साथ जब रहे तो उसके साथ अडिग रहे। निवेदन कर देना चाहता हूँ, चार लोगों के लिए हमारे यहाँ बताया गया कि इनकी परीक्षा कब होती है, आपत्ति काल में होती है। जब हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आती है, तब व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्यता कितनी है। और एक बात निवेदन करूं कि भावुकता से बड़ा धर्म होता है। कुछ लोग भावुकता में पड़ करके धर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन निवेदन करूं आप भावुकता से बड़ा धर्म को ही समझें। क्योंकि निवेदन करूं, जैसे किसी के यहां भी कोई घटना घट जाए, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, तो वहां पर तो जिसके माता पिता होते हैं वो रोते हैं, लेकिन वहां बेटे का धर्म है कि अपने पिता को ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार करें। तो ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है कि आप अपने धर्म से कितना चल रहे हो। तो धीरज धर्म, और धर्म क्या है? धर्म निवेदन कर देना चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में जब तक धर्म रहता है, यदि आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। जब आप धर्म की रक्षा करते हो, निवेदन करूं धर्म बड़ा अद्भुत शब्द है, और धर्म के लिए कभी कभी जीना और मरना भी पड़ता है। यदि महाराज हरिश्चंद्र अपने धर्म को बचाने के लिए ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। निवेदन करूं, जिस समय भगवान श्री राम को मनाने के लिए भैया भरत चित्रकूट जा रहे थे, उस समय भरत जी पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग में। और जब प्रयाग में भरत जी पहुंचे ना, तो उस समय भरत जी ने क्या देखा? भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो देखा था श्यामल धवल हलो रे, तो पुलक सारी भरत करजो रे। भरत जी पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग में कि भरत की सरे पहर कह की न प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया राम सिया उमगी उमगी अनुराग। निवेदन मैं कर देना चाहता हूं कि धर्म क्या है। धर्म जिस समय भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, और जब भरत जी तीर्थराज प्रयाग में मां त्रिवेणी में स्नान करने लगे, और जब त्रिवेणी में भैया भरत स्नान करने लगे, उस समय मैया त्रिवेणी प्रकट हो गई। और मैया त्रिवेणी ने कहा कि अरे भरत, तुम यहाँ आ गए हो तो हमसे कुछ वरदान मांग लो। मैया त्रिवेणी ने कहा कि भरत वरदान मांग लो। भरत जी ने कहा कि अरे माँ,
इस भरत के जीवन में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दो। उस समय मैया त्रिवेणी ने कहा, नहीं नहीं भरत, कुछ भी मांग लो। तो भरत जी ने कहा कि मैया क्या देना चाहती हो, जो देना चाहती हो दो। क्योंकि भरत जी ने कहा कि मांगही भीख त्यागनी जधरमू और आरती का न करई कुकरमू। भरत जी ने कहा कि अरे माँ क्या देना चाहती हो, दे दो। उस समय मैया त्रिवेणी ने कहा कि भरत, आज के दुनिया में सबसे सबसे बड़ी यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो अर्थ की आवश्यकता है। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो पैसे की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। तो भरत अर्थ ले लो। उस समय भैया भरत ने कहा, माँ हमको अर्थ नहीं चाहिए। उस समय भैया त्रिवेणी ने कहा कि अरे भरत, पूरी दुनिया अर्थ के लिए परेशान है, सारे लोगों को पैसा चाहिए और तुम कह रहे हो मुझे अर्थ नहीं चाहिए। निवेदन करूं, भैया भरत ने कहा कि अरे माँ, हमारे पिताजी के यहां हमारा जो अयोध्या है ना, वहां इतना अर्थ है, इतना अर्थ है। और निवेदन करूं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास इतनी संपत्ति थी कि उनकी संपत्ति को देख करके कभी कभी कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि दशरथ धन सुनी अधन दल जाई। दशरथ जी के पास इतनी संपत्ति है कि उनकी संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। उस समय भैया भरत ने कहा, माँ यदि इस भरत के जीवन में अर्थ की आवश्यकता होती तो आज अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बन गई है। भैया अपने चरण से प्रहार कर रहे हैं कि गद्दी पर भरत तुम बैठ जाओ, और मैं कह रहा हूँ कि भैया आप बैठ जाओ। यदि सब आगे भरत के जीवन में यदि अर्थ की आवश्यकता होती तो मैं अयोध्या की गद्दी को स्वीकार कर लेता। मेरे जीवन में अर्थ की आवश्यकता नहीं है माँ, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। जिस समय भरत जी ने कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए, तब माँ त्रिवेणी ने कहा कि भरत यदि अर्थ नहीं लोगे तो अब मैं तुम्हें धरती की अमूल वस्तु देने जा रही हूँ। उस समय भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भरत जी ने कहा कि मैया क्या दे रही हो। उस समय मैया ने कहा कि भरत यदि अर्थ नहीं लोगे तो अब मैं ऐसी मणि देने जा रही हूँ कि उस मणि को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूरा खानदान बिक गया था, मैं आज वो देने जा रहा हूँ। उस समय भरत जी ने कहा क्या दे रही हो माँ। मैया ने कहा कि भरत यदि अर्थ नहीं लोगे तो फिर धर्म ले लो, तुम यदि अर्थ नहीं लोगे तो धर्म ले लो। मैया त्रिवेणी ने कहा कि भरत धर्म ले। भरत जी ने कहा माँ मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। जिस समय भरत जी ने कहा कि माँ मुझे धर्म नहीं चाहिए, उस समय मैया त्रिवेणी के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरी तो होने लगी। मैया त्रिवेणी ने कहा कि अरे भरत, तुम अपने खानदान में कलंक पैदा हो गए, क्योंकि तुम्हारे खानदान के लोग धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को भी बेच दिए। मैया त्रिवेणी ने कहा कि अरे भरत, तुम उस खानदान के हो। तो भरत जी ने कहा कौन। मैया ने कहा कि सीबी दादी हरिश और चंद्र नरेशु असहे धर्म हित अकोटि कलेशु
अरे भरत तुम उस खानदान के हो जिसके लिए महाराज हरिश्चंद्र अपने आप को काशी में बेच दिए लेकिन अपने धर्म की रक्षा किए, आप उस खानदान से हो। उसके बाद भी कह रहे वो धर्म नहीं चाहिए। उस समय भी भरत ने कहा मां जिस समय उन्होंने ऐसा किया उस समय हमारे खानदान में मां धर्म था लेकिन अब हमारे खानदान से धर्म चला गया है, अब हमारे खानदान में धर्म नहीं रह गया। उस समय मैया ने कहा भरत ये तुम क्या कर रहे हो। भरत जी ने मां त्रिवेणी से कहा मां एक बात बताओ कि स्त्रियों का क्या धर्म होता है, माताओं का क्या धर्म होता है। माताओं का एक ही धर्म होता है कि अपने पति को ही देवता समझे, अपने पति को ही भगवान समझे। इन लोगों का एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है क्या कि एक ही धर्म और एक व्रत ने तो काए वचन मनो और पति पद प्रेम। भरत जी ने कहा कि अरे माँ जब माताओं का एक ही धर्म होता है कि वो पति के चरण कमलों की सेवा करे लेकिन अब हमारी मैया क्या कह रही है। उस समय त्रिवेणी ने कहा कि अरे भरत तुम्हारी माँ क्या कह रही थी। उस समय भरत जी ने कहा कि अरे माँ हमारी मैया कैकेयी के जीवन में भी हमारे पिताजी ही एक देवता थे लेकिन उस समय हमारे पिताजी समझा रहे थे कि अरे कैकेयी यदि राम जंगल चला जाएगा तो ये दशरथ मर जाएगा। लेकिन उस समय मैया ने क्या कहा कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश करानी कि राज में काटे कभी जब आजा। उस समय भरत जी ने कहा कि हमारी मैया ये ठान ली थी, हमारे गुरुदेव बहुत समझाए लेकिन मैया नहीं मानी और मैया कैकेयी कह क्या रही है कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश करानी कि राज में काटे कभी जब आजा और राम भले बन ही चली जाय पर मोर लाल के माथे पता जब धाजा तलाख वशिष्ठ समझऊ नहीं भले कि राम वियोग में जिय न राजा तो रानी कहे प्रण तार बना अब भले ही बिहने मोर मांग धोआजा। उस समय मैया ने कहा कि मैं अपने प्रतिज्ञा से विचलित होने वाली नहीं हूँ, भले मेरे मांग का सिंदूर धो दिया जाए हाथ की चूड़िया तोड़ दी जाए ये मुझे स्वीकार है लेकिन राम राजा बने ये स्वीकार नहीं है। तो जब मैया ने ऐसा कह दिया कि प्रातः काल मुनि वेश धारी और जो न राम बन जाओ तो मोर मरण राउर जस और नृप समझी मन माई। तो जब मैया ये बात कह रही है कि मेरा मांग धो दिया जाए लेकिन हमारा वचन पूरा हो तो अब बताइए माँ हमारे परिवार में धर्म रह गया। हे माँ मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। भरत जी ने मैया त्रिवेणी से कहा माँ मुझे धर्म ऐसा नहीं चाहिए। तब मैया त्रिवेणी ने कहा भरत यदि धर्म नहीं लोगे तो फिर अब तुम काम को ले लो। जिस समय मैया काम को देने लगी उस समय भरत जी ने कहा कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। तो उस समय भरत जी ने कहा मां यदि मैं काम को ले लूंगा तो राम हमसे दूर चले जाएंगे इसलिए मैं काम को भी स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। भरत जी ने मना कर दिया। अब मैया त्रिवेणी ने कहा भरत यदि अर्थ नहीं लोगे धर्म नहीं लोगे काम नहीं लोगे तो सारे महा
महात्मा एक पैर पर खड़े होकर जंगल में गोरगार जंगल में अपनी चुटैया को बांध करके उस ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो कभी कभी उस ब्रह्म के झलक को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय मैया त्रिवेणी ने कहा कि भरत यदि ये तीनों नहीं लोगे तो फिर मोक्ष ले लो। मैया ने कहा भरत मोक्ष ले लो। उस समय दिया भरत ने कहा माँ यदि मैं मोक्ष लूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन ये भरत सोच रहा है कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लेकर के अपने भैया के चरणों की सेवा करूं। यानी भरत जी ने मना कर दिया। भरत जी ने कहा कि अरथ न धर्म न काम रुचि अगति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। तो मैं कहना ये चाहता था कि व्यक्ति के जीवन में धर्म की परीक्षा तब होती है जब वो विषम परिस्थिति में हो, तब अपने धर्म के प्रति कितना सचेत है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि धीरज धर्म अमित्र अरु नारी। अच्छा, नारी की परीक्षा कब होती है? जब व्यक्ति के जीवन में, जब पति के जीवन में विषम परिस्थिति आती है। निवेदन करूं, जब हमारी माताएं अपनी बिटिया को विदा करती है। कल आप लोगों के बीच में मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर का भी विवाह हुआ, भगवान श्री राम का भी विवाह, और मैया जानकी की भी विदाई हुई और मैया पार्वती की भी विदाई। बड़ी सुंदर कथा है और इससे बड़ा सुंदर उपदेश मिलता है। जिस समय भगवान शंकर के बारात की विदाई होने लगी, मैया पार्वती जब विदा होने लगी, तो उनकी मैया उनको समझा रही है। मैया मैना ने पार्वती को उपदेश दिया। मैया कहने लगी कि करहु सदा संग कर पद पूजा और नारी धर्म पति और देवन दूजा। उस समय मैया मैना ने कहा कि पार्वती तुम जा रही हो तो अपने पति के चरण कमलों की सेवा करना, क्योंकि पति से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा देवता नहीं होता। अच्छा, एक जगह हम ये कथा सुना रहे थे तो ये बात रिएक्शन कर गई। एक माता जी थी, उन्होंने कहा महाराज ये चौपाई फिर से बोलिए। हमने कहा मैया सुन लो। मैया ने कहा कि करहु सदा और शंकर पद पूजा। तो उस माँ ने कहा कि पंडित जी इस समय तो लिखा है कि अपने पति की के ही चरण कमलों की पूजा करो और परिवार में किसी को मत मानो। हमने कहा ये तो अर्थ निकालने लगे। निवेदन करूं, क्योंकि भगवान शंकर के माता पिता नहीं थे, परिवार नहीं था, इसलिए मैया ने ये उपदेश दे दिया कि करहु सदा और शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति और देवन दूजा। लेकिन जब भगवान श्री राम के बारात की विदाई होने लगी, मैया सीता की जब विदाई होने लगी, तब उनकी मैया आ गई और मैया सीता को समझाने लगी। मैया ने कहा कि बिटिया तुम जा रही हो तो अपने ससुराल में क्या करना। सीता जी ने कहा क्या करूंगी माँ। उस समय मैया ने कहा, मैया जानकी को उनकी माँ समझाने लगी और कहने लगी कि सास ससुर गुरु और सेवा करहूं तो पति रुख लखी और आयसु अनुसर हूँ। उस समय मैया ने कहा कि रे बिटिया जा रही हो ना तो अपने सास ससुर की सेवा करना और गुरु की सेवा करना, प्रणाम करना, टाइम से उनको भोजन देना और अपने पति से पति का रुख देख कर बात करना। रुख देख कर निवेदन करूं,
आज मैया ये उपदेश दे रही है कि स्त्रियों के जीवन में धर्म कैसे होना चाहिए। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी आप अपने बेटी की विदाई करो तो ये जरूर बोल दो, एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि अपने बेटी को जब विदा करो तो यही कहो कि सासू के माई कहा बिटिया, हे बिटिया आज तुम जा रही हो ना, तो आज से अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आज से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है। आप अपने बिटिया को उपदेश दे करके भेजना कि सासू के माई कहा बिटिया, और हमारे को किया कहसी न करिया। मैया ने कहा कि बिटिया जा रही हो तो अपने सास को ही माँ कहना और हमारे कोखी की हंसी मत कराना। और निवेदन करूं, एक बिटिया की विदाई हुई और अपने ससुराल में गई तो उसके पिताजी एक कुकर दिए थे कुकर, और उस कुकर के नीचे उनका नाम लिखा था नाम। और वह बिटिया उस कुकर को जब साफ कर रही थी कालिक लगा करके, तो उस कुकर के चारों तरफ को साफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पिताजी का नाम था उस स्थान को बचा दे रही थी। उसकी सास ने देख लिया और सास ने कहा, अरे बहू तुम बर्तन जब साफ कर रही हो तो अपने जहाँ तुम्हारे बाप का नाम लिखा है वहाँ तुम अपनी काली क्यों नहीं लगा करके साफ कर रही हो। उस समय वो बिटिया रोने लगी और बिटिया ने कहा कि अरे सासू माँ, ऐसी मैं भागनी बेटी नहीं हूँ जो अपने पिता के नाम में तारीख लगा दूँ, ऐसा मैं करने वाली नहीं हूँ कि मैं अपने पिता के नाम में तारीख पोत दूँ। और यही सभी बेटियों को सभी बहनों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पिता के नाम में कालिक न लगे। निवेदन करूं, संत ने कहा कि सासू के माई कहा बिटिया, और हमारे को किया कहसी न करिया। जा रही हो न बिटिया तो तुम हमारे कोखी की हंसी मत कराना। और पिताजी ने क्या कहा, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा कि बिटिया जा रही हो तो हमारे पगड़ी का ध्यान देना, हमारी पगड़ी कहीं से गिरने न पावे। आज मैया जानकी को जब उनकी माँ ने कहा, पता तो तब चलता है जब केवल प्रसंग में सुना रहा था, जब भगवान श्री राम गंगा के उस पार चले जाते हैं और केवट उतर करके राम जी को प्रणाम कर रहा है कि केवट उतरी और दंडवत कीन्हा, तो प्रभु सकुची यही और कछु नहीं दीन्हा। जिस समय केवट उतर करके प्रणाम करने लगा उस समय राम जी संकोच में पड़ गए कि मैं इस केवट को उतराई के बदले क्या दूं, मैं क्या दूं। उस समय मैया जानकी भगवान श्री राम के मुखमंडल को देख गई, और जब सीता जी राम जी के मुखमंडल को देख गई तो पहचान गई कि आज भगवान संकोच में पड़ गए कि मैं क्या दूं। उस समय मैया जानकी अपनी अंगूठी पहनी थी और मैया ने अपनी मुद्रिका को निकाल करके भगवान श्री राम को दे दिया, किसी अपिया की जानी निहारी और मन मुदारी मनो और मुदित उतारी। तो मैया ने दे दिया। मेरे कहने का अभिप्राय कि धीरज धर्म, धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, आप धर्म की परीक्षा भी आपत्ति में ही होती है और पत्नी की भी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। और अब बचे मित्र, मित्र की भी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। निवेदन करूं, एक दिन दूध से पानी ने कहा, पानी ने दूध से कहा कि ऐसा करो भाई तुम हमको मित्र बना लो। पानी ने जब दूध से कहा कि तुम हमको मित्र बना लो,
दूध ने कहा हम ही पागल बने हैं, अरे हम गांव में 50 रुपया लीटर बिकते हैं और तुम अजय तो 20 रुपया बिकने लगा, लेकिन उस समय तो बिक नहीं रहा था। दूध ने कहा मैं 50 रुपया लीटर बिकता हूं और तुम जो हो तुम्हें तो कोई हैंडपंप कहीं चलावे पी लेता है, तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती कैसे होगी भाई। भाई इतना ऐसा होता भी है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीबों से मित्रता नहीं रखते। लेकिन निवेदन करूं कुछ महाराज श्री आज सामने बैठे हैं, याद आ गया, यदि गरीब गरीब को कोई उठाता है ना तो महात्मा ही उठाता है, क्योंकि संत के दृष्टि में कोई गरीब और अमीर नहीं होता। एक आश्रम था, वहां पर एक महाराज जी अपना कुटिया बना करके रहते थे, और जब संत भगवान कुटिया बना करके रहते थे तो उसी कुटिया के बगल में एक गरीब लड़का भी रहता था, उसका घर था। उसका एक दिन जन्मदिन आया, और जब जन्मदिन आया तो वो लड्डू खरीद करके ले आया वो गरीब बालक, और जब लड्डू खरीद करके ले आया तो उसने सोचा कि बगल में आश्रम है, चल करके महाराज जी को भी एक लड्डू दे दूं और उनको प्रणाम कर लूं कि महाराज जी आज हमारा जन्मदिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही सोच करके उस गरीब का लड़का जिस समय महाराज जी के आश्रम में पहुंचा, उस समय महाराज जी का नवरात्रि व्रत चल रहा था, वो अपने अनुष्ठान में थे। वो गरीब का लड़का जा करके प्रणाम किया और कहा महाराज जी आप हमारा लड्डू ले लीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा जन्मदिन है। उस समय महाराज जी ने कहा अरे बेटा इस समय नवरात्रि का व्रत चल रहा है, इस समय मैं लड्डू नहीं खा सकता, तुम अपना लड्डू लेकर के चले जाओ। जिस समय महाराज जी ने मना कर दिया उस समय गरीब के लड़के के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी और वो रोने लगा। उसने कहा महाराज जी यदि मैं भी पैसा वाला होता तो आप हमारा लड्डू रख लेते, भले आप नहीं खाते लेकिन आप हमारा लड्डू रख लेते। यही कह करके वो रो करके जब जाने लगा तो संत का हृदय पिघल गया और वो दौड़ करके गए और जा करके उसके हाथ से लड्डू को लिए। उस समय उनके अनुयायियों ने कहा अरे महाराज जी ये क्या करने जा रहे हो, आपका तो नवरात्रि व्रत चल रहा है। उस समय महाराज जी ने कहा कि हमारा व्रत भले टूट जाए लेकिन एक गरीब बालक का दिल न टूटे, ये संत को मंजूर है, संत का व्रत टूट जाए लेकिन गरीब बालक का दिल न टूटे। बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने संतों के लिए लिख दिया कि सरदा तपनी सी और ससिया पहराई और संत दारा सजीनी ओ पाता कटाराई। तो यहाँ पर लोग मित्रता भी अपने बराबरी वालों के साथ रखते हैं। दूध ने कहा कि नहीं नहीं पानी हम तुमको मित्र नहीं बनाएंगे। जिस समय दूध ने मना किया पानी कहने लगा भैया एक बार हमको बना करके तो देखो, आपके ऊपर विपत्ति आने से पहले मैं सारी विपत्ति स्वयं झेल लूंगा लेकिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस समय पानी ने कहा दूध ने कहा कि ठीक है बन जाओ मित्र, मैं मान लिया। और आप भी देखे होंगे दूध और पानी की दोस्ती बड़ी गुड़ होती है, दूध में कितना पानी डाल दीजिए वो अरेस्ट हो जाता है। लेकिन पता तो तब चला जब उस दूध को हलवाई अपने भट्टी पर रखता है और जब लकड़ी लगा करके जब आग प्रज्वलित होती है तो आप लोग देखे होंगे पहले दूध नहीं जलता है, पहले उसमें पानी ही जलता है, और जो पानी जल जाता है तब दूध जलता है, और जब दूध जल करके इतना सा बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग,
खोआ, उसका नाम खोआ क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इसका मित्र इसी में खो गया, इसलिए उसका नाम खोआ है। और जब खोआ इतना सा बचता है उसमें से आग निकलती रहती है, आंच निकलती रहती है, भाप निकलता रहता है, लेकिन बगल से जो ही हलवाई थोड़ा सा पानी लेकर के मारता है तब वो साय दे करके शांत हो जाता है, मानो उसका मित्र मिल जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आपत्ति काल में परीक्षा मित्र की होती है कि आप मित्रता का कितना निर्वहन कर रहे हैं। निवेदन कर देना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का उदाहरण तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन निवेदन करूं सभी लोग कन्हैया और सुदामा के मित्रता का उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ तो दोनों तरफ से मित्रता थी, लेकिन यहाँ सुदामा भी सही थे, कन्हैया भी सही थे, लेकिन धन्य था मित्र वो कर्ण। कर्ण की मित्रता भी अद्भुत है। कर्ण जानता था कि मेरा मित्र दुर्योधन गलत मार्ग पर है, लेकिन धन्य है कर्ण, और कर्ण का नाम दानी वीर कर्ण कहा गया। कर्ण ने जो त्याग किया है, कभी कभी आप जब कर्ण के प्रसंग को पढ़िए इतना अद्भुत आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाने के लिए गए और कन्हैया ने कहा कि अरे कर्ण, तुम युद्ध कर रहे हो दुर्योधन की तरफ से, ये बताओ कि वो सही रास्ते पर चल रहा है? उस समय कर्ण ने कहा, नहीं नहीं माधव, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। कन्हैया ने कहा, उसकी विजय होगी? कर्ण ने कहा, नहीं माधव, उसकी विजय भी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल देता है उसी दिन से उसका पतन का द्वार खुल जाता है। निवेदन करूं, जब राक्षस राज रावण जब तक तपस्या किया तब स्थिति क्या हुई कि नीतनु तन सब बाढ़त जारी, रोज उसका विकास हो रहा था, लेकिन जब वही राक्षस राज रावण एक संत का वेश बना करके और मैया जानकी का हरण करने के लिए जब रावण चल देता है तब बाबा ने क्या लिखा कि सोदा सीसा अश्वान की नाई चला भड़िया। अब विचार करिए कि जो राक्षस राज रावण चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होने लगती थी कि चलता दशानन अडोलत यावनी तो गरजता गर्भ अश्रवणी सुर रावणी तो रावण आवत असुना सकोहा तो देवन तके और मेरी गिरी कोहा। तो जब रावण चलता था तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी, लेकिन आज वो रावण की स्थिति क्या हो गई? जब वही रावण गलत मार्ग पर चल दिया तब बाबा ने क्या लिखा? तब बाबा क्या कह रहे हैं कि सोदा ससी सब अश्वान की नाई आई तऊता चीताई और चला भड़ियाई। आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे, यदि आपके घर में कोई कुत्ता आ जाए, कुत्ता और रोटी चुरा करके और जब भागने लगता है तो वो इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, आज वो स्थिति राक्षस राज रावण की हो गई। फिर बाबा ने क्या कहा? काकुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। काकुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा कि इमी कुपंथ पद अति खगेशा तो
रहन ते जाओ अबुद्धि लवले सा। जब व्यक्ति कुबंध पर पैर रख देता है उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। आज कन्हैया ने कर्ण से कहा कि अरे कर्ण एक बात बताओ, क्या ये दुर्योधन जीतेगा? उस समय कर्ण ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, यह जीतने वाला नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे कर्ण तब तुम इसके तरफ से युद्ध क्यों कर रहे हो? उस समय कर्ण ने कहा कि प्रभु मुझको पता है कि ये नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी हमारा मित्र है और मैं अपने मित्र को इस स्थिति में छोड़ करके मैं जाने वाला नहीं हूँ। भले हमारा बद हो जाए मैं वो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस विषम परिस्थिति में अपने मित्र को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस समय कर्ण ने इस बात को कहा तब बाबा ने लिख दिया कि जिया जो मित्र दुख आहो न दुखारी तो तीन ही बिलो कत पातक भारी। तो कर्ण इस विषम परिस्थिति में भी अपने मित्र का साथ दे रहा है, ये अद्भुत मित्र है। और यदि मानस को देखा जाए तब भगवान श्री राम और सुग्रीव की भी मित्रता अद्भुत है। जिस समय हमारे हनुमान जी महाराज जिस समय भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर बैठा ले कि यही विधि सकल और कथा समझाई अलिए दो जन और पीठ चढ़ाई। तो अपने पीठ पर बैठा करके जब हनुमान जी लेकर के पर्वत पर पहुंचे और सुग्रीव ने जब देखा उस समय हमारे हनुमान जी महाराज सुग्रीव और राम जी की मित्रता को कराए, वहां अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कराए। भगवान श्री राम और सुग्रीव की भी अद्भुत मित्रता है। निवेदन करूं जिस समय भगवान श्री राम ने सुग्रीव को मित्र बना लिया और जब मित्र राम जी बना लिए और राम जी का एक ही नियम है, वो जिसको मित्र बना लेते हैं उसके लिए वो जीने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। निवेदन करूं भगवान श्री राम ने सुग्रीव को भी मित्र बनाया, भगवान श्री राम ने विभीषण को भी मित्र बनाया। जिस समय भगवान श्री राम रावण का युद्ध चल रहा था, कल आप लोगों के बीच में मैं निवेदन करूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा आंशिक चर्चा करूं। जिस समय भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी के मस्तक पर पसीना आ रहा था पसीना। उस समय लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि अरे प्रभु आप क्या सोच रहे हो, आपके मस्तक पे पसीना आ रहा है, बात क्या है प्रभु? हमको तो लग रहा है कि पिताजी मर गए हैं इसलिए आप चिंतित हो कि मैं नहीं रहा और मेरे पिताजी परम धाम को चले गए। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं अपने पिता के विषय में नहीं सोच रहा। लक्ष्मण जी ने कहा तब आप प्रभु हमको तो लग रहा है कि आप भरत जी को याद कर रहे हो, भैया भरत के लिए आप चिंतित हो। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं भरत के लिए भी नहीं सोच रहा। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा तब आप ये सोच रहे हो कि जटायु का पंख कट गया है इसलिए आप चिंता में हो क्या प्रभु? उस समय राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण मैं ये सब नहीं सोच रहा। तब लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तब आप सोच क्या रहे हो? उस समय राम जी ने कहा कि तात की सोच न मात की सोच आ नहीं सोच पिता सुर धाम गए को आ भाई भरत की सोच नहीं आ नहीं सोच जटायु के पंख गए को आ सोच ब सोच यही उर में आ द्विज भक्त विभीषण बा गए को। उस समय
राम जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने विभीषण का हाथ पकड़ा था और मैंने विभीषण से कहा था कि अरे विभीषण जब मैं लंका से जाऊंगा तो तुम्हें लंका का राजा बना करके जाऊंगा और अभी तक हमने अपने मित्र को राजा नहीं बनाया, यही मैं सोच रहा हूँ। तो हमारे भगवान श्री राम यदि वचन दे देते हैं तो अपने वचन पर अड़िग रहते हैं, क्योंकि उनके कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति और सदा चली आई, तो प्राण जाय परो और वचन न जाय। तो आज भगवान श्री राम सुग्रीव से मित्र बन गए, सुग्रीव की मित्रता हुई। अब राम जी ने पूछ दिया कि अरे मित्र तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम अपने किला में क्यों नहीं रहते, तुम तो राजा हो, अपने महल में क्यों नहीं रहते हो सुग्रीव। जिस समय राम जी ने पूछा, और विचार करिए ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान, भगवान धन्य भगवान, भगवान की करुणा, परमात्मा अपने दुख को भी भूल जाते हैं। राम जी अपने दुख को भी भूल करके पहले अपने भक्त को हृदय से लगाते हैं, क्योंकि भगवान जिस समय सीता जी को खोज रहे थे, लेकिन जब सुग्रीव से मित्रता राम जी ने कर लिया तो राम जी ने कहा मैं सीता का पता बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने मित्र को मैं का अधिकार दिलाऊंगा। राम जी ने कहा कि मैं अपने मित्र को अपना अधिकार दिलाऊंगा, निवेदन करूं। आज तो अधिकार के लिए ही लड़ाई हो रही है। हमने निवेदन किया था कि भैया भरत जिस समय मातृवेणी कह रही है कि भरत तुम अर्थ ले लो, यानी आप पैसा ले लो, भरत जी ने कहा कि नहीं मां, मैं अर्थ लेने वाला नहीं हूं। धन्य था वो त्रेता का समय, त्रेता का भाई अपने भाई का एक इंच जमीन लेना नहीं चाहता, और द्वापर का भाई अपने भाई को एक इंच जमीन देना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए, कन्हैया बैठे हुए हैं और कन्हैया ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो। कन्हैया ने कहा कि यदि आपको न्याय ही देना है ना तो आधा आधा बांट दो, आधा कौरवों को दे दो, आधा पांडवों को दे दो। कन्हैया ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और इस समय भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच गांव, और रखो अपनी धरती तमाम, और दुर्योधन यह भी दे न सका, वो आशीष समाज का ले न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला, और जो था असाध्य उसे साधने चला, और जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यानी विचार करिए, त्रेता का भाई अपने भाई का एक इंच जमीन लेना नहीं चाहता, द्वापर का भाई अपने भाई को एक इंच जमीन देना नहीं चाहता, लेकिन दुर्भाग्य इस कलयुग का, आज का भाई न लेता है न देता है, बल्कि कहता है हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके लेकर के आएंगे, न तुम जोतोगे न हम, बल्कि पड़ती रहेगा। लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूं सज्जनों, यदि परमात्मा ने आपको भाई दिया है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, और कभी भी आप अपने भाई के अंश को मत खाओ। आप अपने बेटे को संपत्ति इकट्ठा करने में यदि आप अपने भाई के संपत्ति को हड़पोगे ना तो उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि अगर कसाई बकर कसाई
और कसाई गाई का उससे बड़ा वो कसाई जो हिस्सा खाए भाई का, वो बड़ा कसाई होता है जो अपने भाई का हिस्सा खाए। इसलिए कभी अपने भाई का हिस्सा मत खाओ। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो अपने भाई से ही आदमी बड़ा परेशान है। निवेदन करूं, एक दिन सोना ने लोहा से कहा कि ए लोहा, एक बात बताओ, पिटाई तुम्हारी भी होती है और पिटाई हमारी भी होती है। सोना ने लोहा से कहा, बड़ी गंभीर बात सुनिएगा, उस समय सोना ने कहा कि अरे लोहा, पिटाई तुम्हारी भी होती है और पिटाई हमारी भी होती है। हमको सुनार पीटता है, तुमको लोहार पीटता है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं पीटा जाता हूं तो हमारी आवाज कमरे में ही रह जाती है, हमारी आवाज कमरे में रह जाती है। लेकिन जब लोहा तुम पीटे जाते हो तो पूरा बरियार पूर गांव सुन लेता है कि लोहा पीटा जा रहा है, तुम इतना क्यों चिल्लाते हो। जिस समय सोने ने लोहे से प्रश्न किया, उस समय लोहे के आंखों से अश्रु की धारा पूरित हो गई। लोहे ने कहा, सोना तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोना को सोना नहीं पीटता और लोहा को लोहे पीटता है। जब अपना भाई अपने भाई को कष्ट देता है तो वो कष्ट बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और लोग समाज में जाकर के कहते हैं कि पंडित जी, हमारे भाई ने हमको बहुत सताया है। इसलिए यदि परमात्मा ने आपको भाई दिया तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। और एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ, साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम भी अपने भाई से राज को छुपा लिए, अपने भाई से। उसका परिणाम क्या हुआ, मैया जानकी का हरण हो गया। आप सभी लोग जानते होंगे, राम जी ने एक दिन मैया जानकी से कहा, और निवेदन करूं, हमने एक दिन निवेदन भी किया था कि जब भी माताओं को काम लेना होता है तो कैसे बोलती है। माँ कैकेयी को जब दशरथ जी से काम लेना हुआ तो क्या कह रही है कि सोना हूं प्राण प्रिय। हे प्राणों के प्रिय, सुनिए। अच्छा, ये सब होती बड़ा चतुर है, यहाँ की बात नहीं है, हम दूसरे जगह की बात बता रहे हैं। एक बार एक मैया ने अपने पति से कहा कि एक बात बताओ, इतना दिन से तुम कमा रहे हो। उसका पति दूध का व्यापार किया था, दूध का। उसने कहा कि इतना दिन से तुम कमा रहे हो लेकिन आज तक कुछ गहना वहना नहीं बनवाए। वही गहना मैं कितने दिन से पहन रही हूं, और माताओं को कहने से बड़ा प्रेम होता है। तो उसने कहा, अरे इतना नुकसान हो रहा है धंधा में, कहां से तुमको गहना बनवाए। वो कहीं हमको एक नथिया बनवाइए, हर हालत में चाहिए। तो उसने कहा, अरे यार धंधा में घटा है। उसकी पत्नी ने कहा, मैं उपाय बताती हूँ, तुम चिंता मत करो। अब वो दूध लेकर के आवे तो ये दो लोटा पानी डाल दे उसमें, अब दूध अपना जाके भेजिए। जब महीने का हिसाब हुआ तो उसमें 10,000 फायदा हुआ। तो वो जो ग्वाला था वो अपने पत्नी से कहा कि इस महीने में तो 10,000 का फायदा हुआ। तो उसने कहीं उपाय तो नहीं बताई थी, तो मैं बताई थी तो फायदा हुआ, चलो नथिया कर दो। उसने कहा, ठीक है चलो। अब नथिया खरीद के आ गई, और जब नथिया खरीद के आ गई तो वो नथिया पहन करके माघ मेला लग गया। अभी के बाद माघ मेला आने वाला है तीर्थराज प्रयाग में, माघ मेला लगा तो ये सब दोनों पति पत्नी नहाने गए प्रयाग। और जब प्रयाग गए तो दोनों हाथ पकड़ करके गंगा जी में जब डुबकिया लगा रहे थे, उसी समय एक मछली आई और आकर के वो नथुनिये नोच के चली गई। और जब चली गई तो वो जब खड़ा हुई तो नथिया गायब, उसने कहा नथिया गायब। तो उसका पति कहा, नथिया कैसे खरीदी थी। उसने कहा, पानी के पैसा से।
उसका पति का पानी का पैसा पानी में, तब वो कहीं ये गुणवा जो बह रहा है इसका क्या होगा। उसका पति कहा पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। नाक जो ये तुम्हारी कटी है ये तुमने जो बेईमानी किया था इसलिए कटी है। निवेदन कर देना चाहता हूँ भगवान श्री राम भी अपने भाई से रहस्य को छुपा लिए। एक दिन भगवान श्री राम ने मैया जानकी से कहा कि हे सीता मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। दिल की सीता जी ने कहा कि अरे प्रभु आपका छोटा भाई साथ में है और आप अपने छोटे भाई के सामने कौन सी दिल की बात करोगे, थोड़ा इनको दूर कर दीजिए उसके बाद कहिए। उस समय लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ कंदमूल फल लेकर के आओ। और जब लक्ष्मण जी चले गए उस समय राम जी ने सीता जी से कहा कि सुनो प्रिया व्रत, हे प्रिया सुनो। मैया जानकी से राम जी कह रहे हैं कि सुनो प्रिया व्रत अरुचि रसुशीला तो मैं कछु करबो और ललित नर लीला। राम जी ने कहा कि हे प्रिया सुनो मैं अब नर लीला करना चाहता हूँ। उस समय राम जी ने जब कहा तब मैया ने कहा कि तो हमको क्या करना पड़ेगा। उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा अजब लगी करो और निसाचर नासा। ए सीता तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर लेता हूँ। और ये सारी घटना घट गई, सीता जी अग्नि में चली गई, सीता जी का प्रतिबिंब आकर के बाहर खड़ा हो गया। लेकिन स्थिति क्या बनी कि लक्ष्मण हुआ हमारा मन जाना अजो कछु चरिता और रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए और जब लक्ष्मण जी नहीं जान पाए मैया जानकी का हरण हो गया। और जब रावण लेकर के जाने लगा तब सीता ने कहा कि हाँ लक्ष्मण आ तुम्हारा नहीं दोषा, ये लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुमसे राज को छुपा लिया। तो निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने भाई से राज को छुपाओगे तो भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम ने अपने भाई से राज को छुपाया उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी पत्नी का हरण हो गया। निवेदन करूं भगवान श्री राम जब सुग्रीव की भुजाओं को पकड़े और भुजा को पकड़ करके राम जी ने कहा कि सुग्रीव तुम हमारे मित्र हो तो ऐसा करो पहले मैं तुमको तुम्हारा राज्यपाट वापस कराता हूँ। जिस समय राम जी कहने लगे सुग्रीव ने कहा कि अरे महाराज आप बाली को नहीं जानते हो, बाली इतना बड़ा योद्धा है और आप कह रहे हो कि मैं राज्यपाट दिला दूंगा, ये संभव नहीं है, आप बाली की ताकत को नहीं जानते। जिस समय भगवान श्री राम से सुग्रीव ने कहा, राम जी से सुग्रीव ने कहा कि ये जो आप सात ताड़ का वृक्ष देख रहे हो इतनी ताकत है, अस्थियों का समूह देख रहे हो। और निवेदन करूं जब भगवान श्री राम जब दंड कारण बनने ही पर आए तो राम जी ने एक जगह पर अस्थियों का ढेर देखा है, अस्थियों का। राम जी पूछने लगे कि ये किसकी हड्डी है, तब महात्माओं ने कहा कि निसचारानी कार और सकल मुनि खाए तो सुनी रघुवीर और नयन जल छाए। तो जिस समय महात्माओं ने कहा कि ये संतों का हड्डियों का ढेर है, ये राक्षस खा करके
हड्डियों का ढेर लगाए हैं। उस समय भगवान श्री राम अपनी दोनों भुजा ऊपर उठा करके कहने लगे कि निशाचर ही न करो मही और भुज उठाई प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम और जाई जाई सुख दीन। तो आए भगवान श्री राम ने जब सात ताड़ों के पेड़ को ढा दिया तब आज सुग्रीव को विश्वास हुआ और जब सुग्रीव को विश्वास हुआ निवेदन करूं अब भगवान श्री राम भूल गए। राम जी ये भूल गए कि हमें सीता की भी खोज करनी है। राम जी आज भूल गए। यही है भगवान भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने एक दिन निवेदन भी किया था कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जूता चप्पल भी ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बार आप आत्मसमर्पण करो। भगवान के चरणों में जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा बनने वाली नहीं है। जिस समय भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव तुम जाकर के बाली से युद्ध करो, जिस समय भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि जाकर के तुम बाली से युद्ध करो और सुग्रीव गया और जाकर के बाली को ललकारने जाकर के कहने लगा कि अरे बाली निकलो बाहर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया। बाली ने कहा कि इसको इतनी ताकत कहां से आ गई, इसके पहले तो ये भागता फिरता था लेकिन आज इतनी ताकत कहां से आई कि ये हमको ललकार रहा है। उस समय भगवान श्री राम वहां नहीं थे और बाली जब सुग्रीव को मारने लगा और जब मुष्टिका से प्रहार किया ना, उस समय सुग्रीव वहां से भाग करके भगवान श्री राम के सामने आया और राम के सामने आकर के कहने लगा कि अरे प्रभु आपने हमें भेजा था, मैं वहां गया लेकिन आज बाली ने मुझे बहुत मारा और प्रभु आपने कुछ नहीं किया। उस समय राम जी ने कहा कि अरे सुग्रीव तुम्हारा स्वरूप और बाली का स्वरूप एक ही था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। और राम जी ने कहा अरे सुग्रीव बाली तुम्हारा भाई ही न है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। उस समय सुग्रीव ने कहा कि महाराज वो हमारा भाई नहीं बल्कि हमारा काल है, कि वो हमारा भाई नहीं है बल्कि हमारा काल है। कि जिसमें सुग्रीव ने कहा हमारा काल है, उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है मित्र जाओ और इस बार तुम युद्ध करो, मैं बाली को मारूंगा। जिस समय सुग्रीव और बाली का युद्ध होने लगा उसी समय भगवान श्री राम ने अपने धनुष के प्रतिज्ञा को चढ़ाया और जिस समय बाली को भगवान श्री राम ने मारा बाली पृथ्वी पर गिर गया और गिर करके जब कराहने लगा और बाली सोचने लगा कि किसने मुझे मारा है, उस समय भगवान श्री राम बाली के सामने खड़े हो गए। और जब बाली के सामने खड़े हुए ना तो बाली ने भगवान से प्रश्न करना प्रारंभ किया। बाली ने कहा कि धर्म है तू यव और तारे गोसाई अमारे मुही और व्याध की नाई। उस समय बाली ने भगवान से कहा कि प्रभु, और इस समय बाली करुणा में होकर के भगवान से प्रश्न किया। बाली ने कहा कि प्रभु आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, कि धर्म है तू अवतारे गोसाई तो मारे हूँ मोही और व्याध की नाई, तो मैं बैरी और सुग्रीव पियारा तो अवगुण कवन अनाथ मोहि मारा। जिस समय बाली ने कहा कि हे प्रभु मेरा क्या अपराध था जो आपने मुझे मार दिया, एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया कि बाली ने क्या कहा कि काय अपराध बता दा हमें और काहे बदे तनारी सी रहीला।
भगवान से बाली कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा क्या अपराध था जो आप इतने क्रोधित हो गए? कि काय अपराध बता दो में, ओ काहे बदे इतना ऋषि अइला, ओ बात हमारा घरे लूराए, पूछला नहीं जचला बीच पाचर भैला। तो बाली कह रघुराई सुना, जौ बलशाली तकाहे लुकैला। उस समय बाली ने कहा कि प्रभु, आप हमारे सामने आकर के मारे होते तो आज बाली को इतना कष्ट नहीं हुआ होता। बाली कह रहा है कि प्रभु, आप सामने नहीं आए और निवेदन करूं। बाली कह रहा है कि प्रभु, आपको सामने आकर के वार करना चाहिए। आज बाली उस परमात्मा पे आरोप लगा रहा है कि हे प्रभु, आप सामने नहीं आए। निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि वो शत्रुओं पर भी दया करते हैं। लेकिन आज बाली कह रहा है, आज भगवान ने इस आरोप को भी स्वीकार क्यों किया? एक मित्र की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मित्र है सुग्रीव। निवेदन करूं, भगवान श्री राम कितने दयालु हैं। आज के समय में हम लोग, यदि हम लोगों का कोई शत्रु होगा तो जो वही वो निहत्था मिलेगा, हम और आप उस पे वार कर देते हैं कि हमारा शत्रु है और इस समय निहत्था मिल गया है। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम। एक दिन राम और रावण की लड़ाई चल रही थी। एक दिन की लड़ाई में भगवान श्री राम ने रावण के सारे धनुष बाण को तोड़ दिया, रावण के रथ को राम जी ने तोड़ दिया और रावण बिना अस्त्र शस्त्र के रणभूमि में खड़ा है। उस समय भगवान श्री राम ने रावण से कहा कि ऐ दशानन, तुम आज थक गए। हमको लग रहा है कि तुम आज थक गए हो रावण, तो तुम जाओ विश्राम करो, कल आना तब हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। इतने दयालु है हमारे भगवान श्री राम। लेकिन आज बाली कह रहा है कि आप सामने आकर नहीं लड़े। निवेदन करूं, जिस समय रावण आज अपने रथ से उतर करके और अपने महल की तरफ गया, आज रावण निराश है और निराश होकर के जब मंदोदरी के पास पहुंचा, मंदोदरी ने रावण को देखा। उस समय मंदोदरी ने देखा कि आज हमारे प्राण प्रियतम बड़े निराश है, लेकिन इनके शरीर में कहीं चोट नहीं लगी है। उसके बाद भी आज दशानन ये इतने निराश क्यों है? उस समय एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया कि भगवान श्री राम ने रावण से क्या कहा कि राम कहे घर जाऊ दशानन। राम जी ने कहा कि हे राक्षस राज रावण, आप अपने घर को चले जाइए और जाकर के विश्राम कर लीजिए। राम जी ने कहा कि राम कहे घर जाऊ दशानन, आ युद्ध थकान में आप पगे हो, तो भवन को गवन किया करी मौन, लेकिन बीसहु लोचन बारी जगे है। जिस समय रावण जा रहा है तो उसके बीसों नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित हो रही है, और जब अश्रु की धारा पूरित हो रही है, अब रावण पहुंच गया मंदोदरी के पास। और जब मंदोदरी के पास पहुंचा तो मंदोदरी ने देखा उसके शरीर को, तो मंदोदरी ने कहा कि मंजू मुरारी मंदोदरी पूछत, अप्रियतम घाव कहाँ मगे है। उस समय मंदोदरी ने कहा कि अरे प्राण प्रियतम, आज तो आपके शरीर में घाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज आप सबसे निराश हो, तो ये बताओ कि आज आपके शरीर में चोट कहाँ लगी है? जिस समय मंदोदरी ने पूछा, तब रावण ने कहा, रावण क्या कह रहा है कि राम कहे घर जाऊ दशानन, तो युद्ध थकान में आप पगे हो, तो भवन
गवन को गवन किया करी मवन तो बिसहु लोचन बारी जगे अमंजू मुरारी मदोदरी पूछत अप्रियतम घाव कहाँ उमगे है। तब आय रावण ने कहा कि घाव की पीरा शरीर नहीं रघुवीर स्वभाव की तीर लगे। उस समय रावण ने कहा कि हे मंदोदरी आज हमारे शरीर में तो चोट नहीं लगी है लेकिन राम जी के स्वभाव रूपी बाण का तीर हमारे हृदय में लगा है। हमारे भगवान इतने भक्त वत्सल है। बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने लिख दिया कि अस स्वभाव कह असु ने उन देखूं आ कह खगेश रघुपति सम लेखूं। तो ये हमारे भगवान का स्वभाव है लेकिन आज बाली कह रहा है कि हे प्रभु आप सामने आकर के युद्ध क्यों नहीं किए। और निवेदन करूं राम जी हमारे जब युद्ध करते हैं तो राम जी को यदि काल भी ललकारे तो भी वो पीछे होने वाले नहीं। और निवेदन कर देना चाहता हूं राम जी कभी काल के भी पीछे नहीं होते और हमारे हनुमान जी महाराज आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हनुमान जी और रावण का एक बार युद्ध हुआ रावण और हनुमान जी का। हनुमान जी से रावण ने कहा कि ये हनुमान ये युद्ध बड़ा लंबा होता जा रहा है बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए। हनुमान जी ने कहा कौन सा रास्ता है। रावण ने कहा हनुमान एक रास्ता है। हनुमान जी ने कहा बताओ। अच्छा रावण यदि पूरे रामा दल में यदि किसी की प्रशंसा करता है ना तो सिर्फ हनुमान जी दूसरे को वो बलशाली मानता ही नहीं है। जब रावण के सभा में अंगद जी गए और वहां पर वार्तालाप होने लगा तो रावण ने एक बात कहा कि शिल्प कर्म अचान ही नल नीला। अरे अंगद तुम इधर ही बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो तुम्हारे सेना में कौन है। अरे नल नील जो है वो तो शिल्प कर्म जानते हैं और जो ऋक्षराज जामवंत है वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन तुम्हारे सेना में एक बंदर है जो हमारे लंका में पहले आया था। रावण कह रहा है कि शिल्प कर्म अजान ही नल नीला तो है कपि एक महाबल शीला। तो तुम्हारे रामा दल में एक ही बंदर है जो बलवान है यानी हमारे हनुमान जी महाराज को बलवान रावण भी मानता है। हनुमान जी को रावण भी बलवान मानता है। और इस समय रावण ने कहा ना तो अब देखिए दूत का कैसे निवेदन होता है दूत कैसे निवेदन करता है। यहाँ पर जब रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है तो अंगद जी ने क्या कहा कि सत्य नगर कपि जा रे हूं और बिनु प्रभु आयसु पार तो फिर न गयउ सुग्रीव पही और भय बसराय। अंग्रेजी ने कहा कि अरे तुम जिनको बलशाली मानते हो ना वो आज तक राम जी के सामने ही नहीं गया। तो ये अंग्रेजी ने कहा लेकिन हमारे हनुमान जी को बलवान रावण भी जो मानता है तो रावण ने कहा हनुमान एक उपाय है जिससे युद्ध बड़ा जल्दी निपट जाएगा। हनुमान जी ने कहा बताओ। तब रावण ने कहा हनुमान एक मुक्का तुम हमको मारो यदि मैं खड़ा रह गया तो जीत हमारी और एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा यदि तुम खड़ा रह गए तो जीत तुम्हारी। रावण ने कहा हनुमान जी ने कहा शर्त मंजूर है। हनुमान जी ने कहा इस मूर्ख को पता नहीं है कि मैं मुक्का मारने में पीएचडी किया हूं। इसको इस मूर्ख को पता ही नहीं है क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज
हम लोग तो सत्संग करते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज मुक्के से भी सत्संग करा देते हैं। जब राम जी हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकनी ने जब हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक ही मुष्टिका और महाकपि हनी तो रुधिर बमत और धरनी धन मनी तो पुनि संभारी और उठी सो लंका तो जोरी पानी करो और विनय शंका। इस समय हनुमान जी ने लंकनी को एक मुक्का मारा तो लंकनी का निकला रक्त और जब रक्त निकल गया तो लंकनी हो गई विरक्त और जब विरक्त हो गई तो लंकनी हनुमान जी से कह रही है तात स्वर्ग यपवर्ग सुख अधरिय तुलाए कयज्ञ अतुलन ताहि सकल मिली अजो सुख लव सतसंग। तो यानी हमारे हनुमान जी महाराज मुक्के से भी सत्संग करा देते हैं। निवेदन करूं अब रावण से हनुमान जी ने कहा शर्त मंजूर है और मैं बना करके नहीं बोल रहा। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि ये पंडित जी अपने से मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अच्छा एक बात और निवेदन करूं, कुछ लोगों के मन में यह भी आता है कि यहाँ पर हो रही है भागवत कथा तो इसमें ये रामो कथा क्यों जोड़ देते हैं। निवेदन करूं वो ऐसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो राम और कृष्ण में अंतर समझते हैं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। यही तो मतभेद था। पहले जो शंकर को मानता था वो विष्णु को नहीं मानता था, जो विष्णु को मानता था वो शिव को नहीं मानता था, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए तो दोनों लोगों का समन्वय उन्होंने करा दिया कि भगवान शंकर राम जी के लिए कह रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम हमारे आराध्य। भगवान शंकर कह रहे हैं जय सचिताव और नंद जग पावन। यानी भगवान शंकर के आराध्य भगवान श्री राम है और श्री राम जी क्या कह रहे हैं। राम जी अच्छा घर का जो गार्जियन होता है तो घर परिवार को बुला करके कहता है देखो बेटा अब मैं तुम्हें कुछ परिवार के रहस्य की बात बता रहा रहस्य। भगवान श्री राम भी पूरे अयोध्या वासियों को बुलाए और बुला प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। जब भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासियों को बुला करके राम जी ने कहा कि और एक उपत मत असब ही कहूं कर जोरी और शंकर भजन बिना नर अभगति न पावई मोर। राम जी कह रहे हैं कि जो शंकर की भक्ति नहीं करेगा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। निवेदन करूं तो जो कहते हैं कि राम में और कृष्ण में अंतर है, यदि जिसके मन में ये हो कि नहीं विशुद्ध एकदम भागवत ही बोलिए तो पूज्य गुरुदेव भगवान का पारायण हो रहा है, कथा भी चल रही है, आके सुनिए आनंद आएगा। निवेदन करूं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक बार संत तुलसी गोस्वामी जी एक बार वृंदावन पहुंच गए और जब वृंदावन पहुंचे ना तो कृष्ण कन्हैया के सामने जाकर के वहां हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी खड़े हुए कृष्ण भगवान के साथ। एक महात्मा था, महात्मा ने कहा रे तुलसीदास तुम्हारे तो आराध्य भगवान राम है तो तुम्हें अयोध्या जाना चाहिए था, तुम यहाँ क्या करने आ गए। जिस समय उसने तुलसीदास जी पर व्यंग किया उस समय तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया अब मैं तुम्हें तभी प्रणाम करूंगा जब आप धनुष बाण लेकर हमको दर्शन दोगे। तुलसीदास जी ने कहा कि कहो कहा छवि आज की और भले बने हो नाथ अतुल
तुलसी मस्तक तब नवै अजब धनुष बाणल हो हाथ। जिस समय तुलसीदास जी ने कहा वही कृष्ण कन्हैया भगवान श्री राम के रूप में खड़े हो गए। उस समय भगवान कृष्ण जब खड़े भगवान कृष्ण जब राम के रूप में खड़े हो गए तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। निवेदन कर देना चाहता हूँ राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आज हनुमान जी से जब रावण ने कहा तो हनुमान जी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। तब हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण तुम मुक्का मार लो, तुम मुक्का पहले मारो। रावण ने कहा नहीं हनुमान तुम मारो ना। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं मैं भारत का बंदर हूं और भारत वाले पहले वार नहीं करते, बाद में बढ़िया ढंग से 100 किलोमीटर अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करते, भारत वाले पहले वार नहीं करते। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं मारूंगा, पहले तुम मारो। हनुमान जी ने जब कहा रावण ने कहा कि ठीक है हनुमान अब मैं तुम्हें मुक्का मारने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा मारो दशानंद। जिस समय रावण अपने पोजीशन को बनाया और बना करके हनुमान जी को एक घूसा मारा, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज उसी तरह से वज्रासन में रह गए, हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए। और जब मूर्छित नहीं हुए तब रावण ने धीरे से कहा कि हनुमान अब तुम भी मार लो, तुम भी मार लो। हनुमान जी ने कहा वो तो मैं मरवे करूंगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम किसी से मिलना चाहते हो। रावण ने कहा रे बंदर तू बड़ी भाग भाग के बात कर रहा है। हनुमान जी ने कहा नहीं हमारे यहाँ का नियम है जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम भी अपनी इच्छा बता दो। रावण ने कहा कि अरे बंदर बहुत भाग भाग के बात मत करो तुम मारो। जिस समय रावण ने कहा मारो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है दशानन अब तैयार हो जाओ, हनुमान का मुक्का लगने जा रहा है। उस समय हनुमान जी ने अपने मुक्के को आकाश मार्ग में लेकर के गए और हनुमान जी का मुक्का आकाश मार्ग में जाने लगा। हनुमान जी की शरीर जब बढ़ने लगी, हनुमान जी की शरीर कैसे बढ़ रही है कि कनक भू धरा ओकार शरीरा। उस समय रावण ने कहा कि हमको क्या पता था कि शर्त लगाने वाली शरीर दूसरी है और मारने वाली शरीर दूसरी है। अब रावण तो देखने लगा हनुमान जी का मुक्का और हनुमान जी का मुक्का जब आकाश मार्ग में गया उस समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि अरे हनुमान तुम जिस रफ्तार से ये मुक्का लेकर के जा रहे हो और इसी रफ्तार से यदि तुम प्रहार कर दोगे तो ये तो मूर्ख मर जाएगा, हम क्या करेंगे, ये तो मर जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो मैं क्या करूं। उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान इस मूर्ख को इतना धीरे से मारो कि ये मरने न पावे। इस समय राम जी ने कहा हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु। उस समय हनुमान जी ने धीरे से मुक्का रावण को मारा और जब हनुमान जी का मुक्का लगा ना तो दशानन मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। रावण मूर्छित होकर के गिर गया और जब मूर्छित हो गया तो हनुमान जी वैसे खड़े हैं। कुछ देर के बाद जब 5 मिनट बीत गया तो रावण धीरे से अपनी अखिया खोला और खोल करके तो देखा कि बनरा है कि चला गया। हनुमान जी वैसे खड़े हैं, फिर बंद कर लिया। तब हनुमान जी महाराज उसके हाथ को पकड़े और बाबा की लेखनी उठी, लंका कांड की कथा है आप लोग पढ़ लीजिएगा। उस समय हनुमान जी पकड़ करके उठाए और जब उठाए तो रावण क्या कह रहा है कि मूर्छा गई और बहोरी सो जागा तो कपिबल विपुल असराहन लागा। इस समय उसकी मूर्छा समाप्त हुई तो रावण ने कहा थैंक यू। हनुमान जी ने कहा एक मुक्का में अंग्रेजी बोलने लगे। उस समय रावण ने कहा कि धन्य हो हनुमान,
धन्य बड़ी ताकत है तुम्हारे मुक्के में। जिस समय रावण ने कहा धन्य हो, उस समय हनुमान जी ने कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है। उस समय रावण ने कहा कि अरे हनुमान तुम्हें धिक्कार क्यों है। उस समय हनुमान जी ने कहा कि धिक्कार हमें इसलिए है कि इस धरती पर जो भी हनुमान का मुक्का खाया फिर दोबारा हनुमान से बात नहीं किया, और तुम हमसे बात कर रहे हो यही धिक्कार है। हनुमान जी ने कहा कि अंजनी लाल कहे हमके आके हुआ जल बीर पछाड़ल नाही खाई लमुक जो एक हमार दुबारा उघारल नाही और ज्योति समेत दिवा करके और केहू बे हनुमान उजाड़ल नाही गढ़लंक में जाई के रावण से और केहू युद्ध अकेले में ठानल नाही। तो हमारे हनुमान जी महाराज अद्भुत है। भगवान श्री राम अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन आज बाली ने भगवान से कहा कि काय अपराध बता दो में ओ काहे बदे इतना रिसियला ओ बात हमारा घरेलू रहे पूछला नहीं जचला बीच पाचर भैला तो बाली कहे रघुराई सुना अजौ बलशाली तहे लुकैला। उस समय बाली ने जब कहा, उस समय भगवान ने बाली से कहा कि अनुज बधो भग निसुतनारी सुन साठ कन्या और समय जारी। उस समय राम जी ने कहा कि देखो चार लोगों को राम जी ने बताया अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन साठ कन्या सम एही जारी। ये चारों कन्या के समान होती है, इनको यदि जो भी कुदृष्टि से देखता है तो उसको बधने में पाप नहीं लगता। जिस समय राम जी ने कहा, उस समय बाली ने कहा प्रभु ये तो नियम मनुष्यों के लिए, ये नियम मनुष्यों के लिए है और मैं तो पशु हूं, पशुओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। उस समय राम जी ने कहा कि तुम्हें इतना तो ज्ञान है कि ये नियम मनुष्यों का है, ये पशुओं का है, लेकिन उसके बाद भी तुमने इतना बड़ा अपराध किया। उस समय राम जी ने बाली से एक बात और कहा। राम जी ने कहा कि अरे बाली तुम्हारे ऊपर देश द्रोह का भी मुकदमा है, देश द्रोह। बाली ने कहा प्रभु हमारे ऊपर देश द्रोह का मुकदमा कैसे। उस समय भगवान ने कहा कि तुम किष्किंधा के राजा थे और इसी रास्ते से विदेशी आक्रांता आया, विदेशी आक्रांता दशानन रावण आया और यहाँ पंचवटी से जब सीता को लेकर के जा रहा था तो इसी किष्किंधा के रास्ते से गया और तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर देश द्रोह का भी मुकदमा है। उस समय बाली ने कहा प्रभु अब मैं आपसे चतुराई कर रहा था लेकिन हमारी चतुराई आपसे लगी नहीं। बाली ने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए ये हमारी शरीर छूट जाए। जिस समय बाली द्रवित होकर के भगवान से कहने लगा उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि अरे बाली तुम चिंता मत करो। राम जी ने कहा कि अचल करो तनु और राखे हूं प्राणा तो बाली कह सुनो और कृपा निधाना। उस समय भगवान ने कहा बाली चिंता मत करो मैं तुम
तुम्हें अचल कर दूंगा, तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा। उस समय बाली ने राम जी से कहा कि मुनि जन जनो मतो अचतन कराही, तो अंतराम कही और आवत नाही। उस समय बाली ने कहा कि अरे प्रभु, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, उसके बाद भी वो उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने प्रभु आप खड़े हो। अब मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा। जिस समय बाली ने कहा, फिर बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आप हमारे बेटे के बांह को पकड़ लीजिए। बाली ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे बेटे अंगद के भुजा को पकड़ लीजिए। उस समय लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बंदर, अभी तुम्हारा अभिमान नहीं गया? अरे तुम अपने बेटे को क्यों नहीं आदेश देते कि जा करके तुम राम के चरण को पकड़ लो? तुम राम जी से क्यों कह रहे हो? उस समय बाली ने कहा, अरे लक्ष्मण जी, हमारा बेटा जो है वो जीव है, और जीव जब ब्रह्म को पकड़ेगा तो कभी न कभी उसका हाथ छूट सकता है, लेकिन जब ब्रह्म जीव को पकड़ लेगा तो वो फिर छोड़ने वाला नहीं है। जब जीव को ब्रह्म पकड़ लेगा तो वो फिर छोड़ने वाला नहीं है। इस समय बाली ने कहा, बाली फिर भगवान से कहा कि प्रभु, जब भी हमारा जन्म हो तो हमें आपका चरण कमल मिलता रहे। बाली भगवान से वरदान मांगकर अपने शरीर का त्याग किया। निवेदन करूं, भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजा बना, यानी भगवान श्री राम अपने मित्र को पहले राजा बना। मैया जानकी का खोज बाद में किए, पहले अपने मित्र को राजा बना। ये धर्म होता है मित्र का। मित्र जब भी, मित्र वही है जो जो अपने मित्र के आपत्ति काल में साथ, यही धर्म। और धर्म क्या है? निवेदन करूं, एक बार एक जगह बैठ करके 50-60 की संख्या में कुछ आदिवासी भाई, वनवासी भाई बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे, कन्हैया की पूजा कर रहे थे। और जब कन्हैया की पूजा कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति वहां पहुंच गया। बड़े सावधानी के साथ सुनिएगा, और आज के समय में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। कितने लोग अपने धर्म को छोड़ दे रहे हैं। निवेदन कर देना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे जो अपने धर्म में रह करके मुझे भजता है वो मुझे बड़ा प्रिय है, जो अपने धर्म में रहता है। लेकिन आजकल लोग धर्म छोड़ते जा रहे, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है। लेकिन निवेदन कर दूं, सत्य सनातन धर्म तो हमारा ही सनातन है। ये सब सारे पंथ है, और यदि कोई सनातन है तो यही हमारा धर्म ही सनातन है। निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस समय 50 की संख्या में बैठ करके हमारे आदिवासी भाई कृष्ण कन्हैया की पूजा कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति भगवान को न मानने वाला पहुंच गया। भगवान को वो नहीं मानता था, वो उस भगवान को मानता था जो ऐसे हाथ किए रहते हैं, आप समझ गए होंगे, वो लकड़ी का भगवान मानता था। हमारे आदिवासी भाई बैठ करके कन्हैया का भजन कर रहे थे, वो पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि अरे, तुम लोग कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये कन्हैया स्वयं अपने डूब जाता है, ये तुम लोगों को क्या बचाएगा? तुम लोग कन्हैया की पूजा मत करो, हमारे भगवान की पूजा करो। और आजकल भी ये प्रलोभन दिया जा रहा है, अरे 500,000 रुपया भी सब दे रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने के लिए। लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूं, आप विचार करिए, यदि आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है तो आप अपने धर्म को छोड़ करके कहीं भी जाओगे, लेकिन कल्याण होने वाला
नहीं है। यदि आप रहो तो सनातन बन करके रहो। अरे सूर्य नारायण को कौन त्यागेगा, कौन चंद्रमा को त्यागेगा? आप धर्म बदल लोगे लेकिन सूर्य और चंद्रमा को कौन बदलेगा? हमारे यहाँ सूर्य को देवता माना जाता है। निवेदन करूं, जब इस समय वो सब पूजा कर रहे थे, उसने कहा कि तुम्हारे भगवान स्वयं डूब जाते हैं, ये तुम लोगों की रक्षा क्या करेंगे? उन सबों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे कन्हैया। जब ये भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है तब आकर के खड़े हो जाते हैं। जिस समय उन सबों ने कहा तो वो कहा कि ठीक है, तो तुम्हारे और हमारे भगवान में परीक्षण होगा, तुम्हारे और हमारे भगवान में परीक्षण होगा। दोनों लोगों के भगवान को पानी में डाला जाएगा, पानी, और उसमें देखा जाएगा जिसका भगवान डूब जाएगा तो वो अपना धर्म छोड़ देगा। ये आदिवासी बड़े भोले भाले थे, इन सबों ने कहा ठीक है। जिस समय उन्होंने कहा और निवेदन करूं, वो गया अपने घर और दो भगवान को लेकर के आया। दो, एक वो थे कृष्ण कन्हैया, और कन्हैया को पीतल की मूर्ति बनवा करके ले आया। पीतल, भगवान श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति ले आया, और अपने भगवान को लकड़ी का बनवा कर ले आया। और ले आकर के वनवासियों से कहा कि ये बताओ कि पहले तुम्हारे भगवान की परीक्षा होगी कि पहले हमारे भगवान की? जिस समय उसने कहा तब जाकर के वनवासियों ने कहा नहीं नहीं, हम लोगों ने अपने जीवन को बिता दिया तो पहले हमारे भगवान की परीक्षा होगी। और निवेदन करूं, यहाँ पर आप लोगों को गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत गुमराह करने वाले मिलेंगे। धन को न मानने वाला सोचेगा कि जैसे कोई चोर होता है ना, तो वो सोचता है कि अपने साथ दो चार चोर का गिरोह और बना ले, वो सोचता है। कुछ लोग गुटखा ही खाते हैं ना, तो चार पांच लड़कों को और बिगाड़ देते कि कम से कम संख्या तो हमारी बढ़े। निवेदन करूं, एक बार अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, और जब अकबर जा रहा था साथ में बीरबल ही थे। जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक जगह बीरबल जी को तुलसी का एक वृक्ष दिखाई दिया, तुलसी का। अब वो उतर गए और उतर करके तुलसी जी को प्रणाम करने, और जब प्रणाम करने लगे तो अकबर ने पूछा ये कौन है? तो बीरबल ने कहा ये तुलसी माई है, मैं तुलसी माई को प्रणाम कर रहा हूं। उसको बड़ा क्रोध आया और वो उतरा और उतर करके तुलसी जी को उखाड़ दिया। और जब तुलसी जी को उखाड़ करके फेंक दिया, ये बात बीरबल को तो अच्छी नहीं लगी। कुछ आगे और बढ़े, और जब आगे बढ़े तो एक जगह केवांच का पेड़ था। केवांच सभी लोग जानते होंगे, केवांच के विषय। और जब केवांच को बीरबल ने देखा तो वो वहां भी उतर गए, और जब उतर गए तो वहां जाकर प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे तो अकबर ने फिर पूछा ये कौन है? उसने कहा ये केवांच बाबू है, वो तुलसी माई थी, ये केवांच बाबू है। फिर इसको क्रोध आया और इसने कहा कि ये पेड़ पौधों को माई बाप बनाता है, और उतर करके जेवही उखाड़ा और फिर उसके शरीर में खुजली होने लगी। और जब आप लोग भी जानते हैं कि केवांच को स्पर्श किया जाए तो खुजली होती है, और जहां जहां आप धो ना पूरे शरीर में खुजली हो जाती। अब अकबर घबरा गया, और जब घबरा के पूरी शरीर उसकी उसके शरीर में खुजली होने लगी, उसने कहा रे बीरबल ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा कि आपने माई का अपमान किया था तो बाबू बदला ले रहे। गजब गजब के धर्म को न मानने वाले लोग होते हैं। निवेदन करूं, लेकिन आज उसने जब कहा कि पहले किसके भगवान का परीक्षण होगा, उस समय सारे वनवासियों ने कहा कि हम लोगों ने अपने जीवन को बिता दिया कृष्ण कन्हैया का भजन करने के लिए, तो आज सबसे पहले आप हमारे भगवान को पानी में डालिए। अब जिस समय कन्हैया की मूर्ति वो पीतल का बनवा करके ले आया था, जिस समय
समय कन्हैया की मूर्ति को जब पानी में डाला तो कृष्ण कन्हैया पानी में डूब गए, और जो पानी में डूब गए ये 50 की संख्या में जो वनवासी थे वो बेचारे निराश हो गए कि हम लोगों ने 50 साल से कृष्ण कन्हैया की उपासना की, ये कन्हैया डूब गया। उस समय वो अपने भगवान को निकाला और उसका भगवान लकड़ी का था, लकड़ी का। और जब अपने भगवान को डाला तो उसका भगवान तैरने लगा। उसने कहा तुम लोगों ने देख लिया ना, मैं कहा था ना कि तुम्हारा भगवान डूब जाएगा, तुम लोग हमारे भगवान के साथ अब चलो, हमारे भगवान की पूजा पाठ को करो। इस समय उसने कहा, अब ये बेचारे उसके पीछे पीछे जाने लगे, तब तक एक सत्य सनातन धर्म को मानने वाला एक महात्मा इस दृश्य को देख रहा था। उस महात्मा ने जोर से आवाज लगाया, अरे तुम इन सबों को कहां लेकर के जा रहे हो। उस समय उसने कहा कि अरे इन लोगों के भगवान परीक्षण हुआ और इन लोगों के भगवान डूब गए और हमारे भगवान तैर गए, तो ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। उस समय महात्मा की आंखें लाल लाल हो गई और महात्मा ने कहा कि सुनो, सनातनियों की जब भी परीक्षा होती है तो जल परीक्षा नहीं, सनातनियों की जब होती है तो अग्नि परीक्षा होती है। तुम अपने भगवान को लेकर के आओ, मैं अपने भगवान को लेकर के आता हूँ, अब जल परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा होगा। उस समय पीतल के कृष्ण कन्हैया जितने अग्नि में जल रहे हैं उतने चमक रहे हैं, और उसके भगवान जल करके राख हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको प्रलोभन देते हैं, लेकिन इस प्रलोभन में फंसना नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो निवेदन करूं, भगवान श्री राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, इधर हमारे कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी की मित्रता अद्भुत है। सुदामा जी अद्भुत है। लोग कहते हैं कि सुदामा दलित, लेकिन एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, सुदामा जी बड़े गरीब ब्राह्मण, गरीब, और गरीब होना यह अपराध नहीं है, दलित होना यह अपराध, दलित, क्योंकि इस धरती पर दरिद्रता से बढ़ के दूसरा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा यदि कोई दुख इस धरती का है तो वो दरिद्रता ही। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नहीं दलिद्र सम और दुख जग माही, और संत मिलन सम असुख कछु नाही। तो दरिद्रता से बढ़कर के इस धरती पे दूसरा कोई कष्ट नहीं, और संतों से के मिलन से बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं। और संत जब होता है, संत सदैव दूसरे के लिए ही जीता है, संत कभी अपने लिए नहीं जीता। निवेदन कर देना चाहता हूं, एक बार एक महात्मा जी एक नाय में बैठ करके और यात्रा कर रहे थे, नाय, और जब नाय में बैठ करके यात्रा कर रहे थे तो उसी नाय में दो चार शरारती ही बच्चे भी बैठ गए, दो चार शरारती, और वो महात्मा जी को परेशान करने, और जब महात्मा जी को परेशान करने लगे उस संत के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित होने लगी, और जब अश्रु की धारा पूरित होने लगी ये परम पिता परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुई, भगवान से ये बर्दाश्त नहीं हुई, परमात्मा कभी भी ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है कि आप उसके भक्त के साथ गलत करो। यदि आप भगवान के भक्त के साथ गलत करोगे, एक बार भगवान के साथ यदि गलत करोगे आप, तब तो क्षम्य है, लेकिन परमात्मा अपने भक्तों के अपराध को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपराध और
भगत कर करई तो राम रोष अपावक सो जरई। तो जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है उसे परमात्मा छोड़ने वाले नहीं है। जिस समय महात्मा बैठे हुए थे और नाय जो बीच मैधार में पहुंची और संत के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरी तो होने लगी, वो महात्मा रोने लगे। और जब महात्मा रोने लगे तो परम पिता परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि अरे महात्मन आप रो क्यों रहे हो। उस समय भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, यदि आपको ये सब परेशान कर रहे हैं तो मैं अभी नाव को ही पलट देता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं नाव को पलट दूंगा और आपको बचा लूंगा, क्योंकि ये आप ये सब आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं। जिस समय भगवान ने कहा उस समय उस संत के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरी तो होने लगी और उस महात्मा ने कहा अरे प्रभु यदि आप पलटना ही चाहते हो तो नाव को मत पलटो, इन बच्चों की बुद्धि को ही पलट दो, ये दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करें। ये संतों का हृदय होता है, इसलिए बाबा ने लिखा कि संत हृदय नव अनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन से भी कोमल होता है। निवेदन करूं बाबा कह रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन फिर बाबा को लगा कि ये ठीक नहीं है उपमा देना। तब बाबा ने कहा कि निज परिताप अद्रवई नवनीता। अब बाबा कह रहे हैं कि जब मक्खन को आप जब अग्नि दिखाओगे ना तो जब मक्खन को कष्ट होता है तो वो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संतों का यह स्वभाव है कि वो अपने कष्ट से नहीं पिघलते बल्कि वो दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवित हो जाते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है। आइए दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात समय के अंतराल में ही वाणी को विश्राम देंगे, लेकिन पहले आइए दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। विश्राम दूंगा, आज आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं जलाऊंगा, लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूं सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता। कन्हैया के बाल सखा हैं सुदामा जी, लेकिन आज बड़े असहाय हैं। पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और पांच घर में भिक्षा को मांगते हैं और मांग करके अपने जीवन को यापन करते हैं। सुदामा जी बड़े गरीब तो ब्राह्मण है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्रता में और गरीबी में अंतर है, व्यक्ति को दरिद्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा दरिद्र भी गजब गजब के होते हैं। अच्छा कथा में जाते हैं ना तो 10 रुपया लेकर के आएंगे ऐसे हाथ में, सोचेंगे कि चलेंगे तो महाराज जी को चढ़ाएंगे,
अच्छा एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था, वो एक रुपया दान नहीं देता था। एक दिन एक 10 रुपया लिया, सोचा आज हम भी दान कर दे, और मुट्ठी बांध करके लेकर के कथा में बैठा था, सोचा आखिरी में चढ़ा देंगे। और जब चढ़ाने की बारी आई तो अपनी मुट्ठी खोला, तो जब मुट्ठी खोला तो उसके मुट्ठी में बहुत सारा पसीना आ गया था, क्योंकि हम आप भी अपनी मुट्ठी को बंद किए रहते हैं तो पसीना आ जाता है। और जब पसीना आ गया था तो वो सोचा, कहा कि अरे भाई तुम रो रहे हो, पैसवा से कहा कि तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। गजब गजब के लोग होते और ईर्ष्या भी करते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, सुदामा जी की तरह वो भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो परेशान थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। वो टहलते टहलते समुद्र के किनारे पहुंचे और भगवान समुद्र का उन्होंने पूजन किया, तपस्या किया, तो भगवान समुद्र प्रसन्न होकर के उनको एक शंख दिए, शंख। और समुद्र भगवान ने कहा कि पंडित जी इस शंख को लेकर के जाइए, आप इस शंख से जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। पंडित जी सोचे बड़ा सुंदर है। उस समय समुद्र देवता ने कहा, लेकिन एक शर्त है, आप इससे जो मांगोगे तो आपके पड़ोसी का डबल हो जाएगा। यदि आप 1 रुपया मांगोगे तो बगल वाले को 2 रुपया ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो सोचे ये तो बड़ा गड़बड़ है, हम ऐसा ही ठीक है। वो अपना शंख लेके आए, अपना पोथी में लपेट के रख दिए, चले गए अपना पूजा पाठ करने के। एक दिन पंडिताइन सोची इसमें ये रखे क्या है। पंडिताइन ने देखा तो बड़ा दिव्य शंख है। पंडिताइन ने सोचा कि इतनी गरीबी है और इस गरीबी में यदि इतना बढ़िया ये संत है, सब कुछ देने वाला, तो इससे कुछ मांगा जाए। अब उन्होंने अपने आंगन में चौके को लगाया और उसी पर उस संत को रख करके उस पंडिताइन ने कहा कि हे संत भगवान, आप हमको खूब बढ़िया सा घर दे दीजिए, घर। अब बगल वाले का 1 तल्ला, बगल वाले का 2 तल्ला। अब इन्होंने कहा कि अरे हमारे पास गाड़ी हो जाए, यहाँ 1 गाड़ी वहां 2 गाड़ी। अब यानी इनकी जो इच्छा थी वो मांगा। तब तक पंडित जी उधर से आ गए और पंडित जी जब आए तो वो देखने लगे, ये तो बड़ा दिव्य, ऐसा गांव तो हमारा था नहीं। जैसे वे भगवान श्री कृष्ण से मिल करके जब हमारे सुदामा जी आए तब उन्होंने अपने घर को जैसे देखा था। तो आज पंडित जी ने जब देखा कि इतना दिव्य घर में आए, सोचने लगे कहीं पंडिताइन शंखवा से कुछ मांगी तो नहीं ना, और देखे तो सारा गड़बड़, इनका 1 तल्ला तो बगल में 2 तल्ला तन गया, और तन गया तो अब ये परेशान, ये तुरंत गए और कहे कि संत से तुम मांगी हो। उसने कहा हाँ हमने मांगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, तो मैं भी मांगने जा रहा। पंडित जी ने कहा कि हे संत देवता, हमारे दरवाजे पर छठ को कुआ हो जाए। अब बगल वाले के यहां 12 कुआ हो गया। अब पंडित जी ने कहा कि हे संत देवता, हमारी 1 आंख फूट जाए। अब बगल वाले की 2 फूट गए। यानी कहने का अभिप्राय कहीं प्रबल ईर्ष्या है व्यक्ति के जीवन में। मैं हंसने के लिए ही नहीं कह रहा, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि अरे भाई आप परिश्रम करो, आप खूब कमाओ, आप खूब विकास करो, लेकिन यदि पड़ोसी का भी विकास हो रहा है तो आप उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि यदि ईर्ष्या करोगे तो ईर्ष्या आपको ही समाप्त करती है, आपको ही समाप्त। आज सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि महाराज यदि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो आप जाकर के उनसे क्यों नहीं मिल लेते। जिस समय मैया ने कहा, सुदामा जी का मन तो नहीं था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वो गए। और 2-3 हठ बड़ा गजब का होता है, बाल हठ, क्रिया हठ, गजब गजब का होता। एक बार एक पंडित जी थे, बड़ी
अच्छी कथा। एक बार एक खंडी जी थे तो वो एक यजमान के यहाँ गए भोजन करने के लिए, भोजन। और जब भोजन करने के लिए पहुंचे ना तो वो अपना 40 पूरी खाए, 40। और जब 40 खाए तो जो बना रही थी उसने कहा कि अरे महाराज बीच बीच में थोड़ा पानी पी लिया करिए। उन्होंने कहा बीच आवे तब ना, अभी तो शुरू है। उन्होंने कहा 40 पूरी में अभी बीच नहीं आया, अब खाई है 70-80 पूरी। और जब खा लिए तो संड मंड हो गए, तबीयत खराब हो गई। और जब खराब हो गई, एक बात और निवेदन करूं, ब्राह्मण को आप कितना धन दे दोगे लेकिन वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। यदि ब्राह्मण किसी चीज से संतुष्ट होता है तो वो भोजन से संतुष्ट होता है। क्योंकि आप किसी को कितना धन दे दो लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि बस है, चाहे वो कोई भी हो। आप कितना भी धन किसी को दे दीजिए लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन आप जो भोजन कराओगे तो वो दोनों हाथ ऊपर कर लेगा, बस बस भैया अब हमें नहीं चाहिए, यानी बस हमें अब नहीं चाहिए। आज जब वो पंडित जी जब खा करके डॉक्टर के यहां गए तो डॉक्टर जी एक दवा थी, डॉक्टर ने कहा कि देखो पंडित जी ये दवा को खा लो, और जब दवा खा लोगे आप तो आराम मिल जाएगा एक घंटे में। तो पंडित जी ने कहा यदि दवा खाने पर जगह होती तो 2-4 पूरी और नहीं खा लिए होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो गजब गजब की स्थितियां कभी बढ़ जाती हैं। लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूँ, जब सुदामा जी की पत्नी ने बार बार निवेदन किया, सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, बड़ी लंबी कथा लेकिन समय के अंतराल में ही जब द्वारिका पहुंचे वहां पर भगवान श्री कृष्ण को मित्र जो बताने लगे, तो इधर द्वारिका में जितने दरबारी थे वो सुदामा जी का उपहास करने लगे कि अरे ये द्वारिका देश का मित्र हो सकता है, ये उनका मित्र नहीं हो सकता। वो उपहास करने लगे लेकिन सुदामा जी ने कहा कि जाओ और जाकर के द्वारिकाधीश से कह दो कि आपके मित्र आज से मिलने आए हैं, यदि वो हमारे पास नहीं आएंगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। इस समय सुदामा जी ने कहा, एक दरबारी जाकर के कृष्ण कन्हैया से कहा, अरे द्वारिकाधीश एक दरबारी पर एक ब्राह्मण आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ। इस समय सुदामा का नाम कन्हैया ने सुना तो वो नंगे पांव दौड़ने लगे और दौड़ करके सुदामा जी के पास गए और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके कन्हैया ले आए अपने महल में और अपने आसन पे बैठा दिए। और अपने आसन पे बैठा करके आज परात में जल लेकर के पैर प्रक्षालन करने निवेदन कर। आज सुदामा जी की दीन दशा को देख करके कृष्ण कन्हैया के आंखों में अश्रु आ गए। निवेदन कर देना चाहता हूं, आज ये समय पानी को तो मना लिए परात में, लेकिन सुदामा जी की दशा को जब कन्हैया ने देखा उस समय भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरी तो होने लगी कि देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करी के करुणा निधि रोए तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नयनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बड़ी सुंदर कथा है, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की दीन दशा को देख करके रोने और जब रोने लगे तो वो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात का जो जल आया था उसको कन्हैया ने नहीं छुआ बल्कि अपने नेत्रों के अश्रु से सुदामा जी के चरण को धो रहे हैं। लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दशा को देख करके अपने अश्रु को रोक नहीं पाए। और यदि मानस को देखा जाए, जिस समय गिद्धराज जटायु का पंख कट गया है, बड़ी लंबी कथा लेकिन मैं थोड़ा निवेदन करूं, जब
पंख कट गया है, जटायु जी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं कि काटसी पंख ओ परा खग धरनी तो सुमिरि राम कहे ओ अद्भुत करनी। जिस समय राम जी सीता जी को खोजते हुए जब जटायु को राम जी ने देखा तो राम जी ने क्या देखा कि अति घायल दो कटे पखना और पिता उरसना रटलाती रही और तन पीरय धीर परेऊ तब हूँ हरि नाम की सुधि समाती रही। जिस समय राम जी ने जटायु को देखा तो राम जी ने क्या देखा कि गति गिद्ध की देखी दयानिधि को असुधि सीता के खोज की जाती रही। हमारे राम जी भूल गए कि सीता को भी खोजना है और राम जी दौड़ करके गए और जटायु को अपने गोद में लिए और जब राम जी गोद में ले लिए तो आज राम जी जटायु जी की दशा को जब देखे तो राम जी के भी नेत्रों में अश्रु आ गया। यहाँ पर राम के भी नेत्रों में अश्रु आ गया जटायु की दशा को देख करके, वहाँ सुदामा की दशा देख करके, कृष्ण कन्हैया के भी नेत्रों में अश्रु आ गया। लेकिन निवेदन कर देना चाहता हूँ, कन्हैया अपने आंखों के अश्रु को गिरा रहे हैं लेकिन राम जी अपने अश्रु को गिरा नहीं रहे हैं, बल्कि जल भरी नयन कहत रघुराई। उस समय राम जी अपने नेत्रों में अश्रु को भरे गिरा नहीं रहे। विचार करिए राम जी क्यों भरे हैं और भगवान श्री कृष्ण क्यों गिरा रहे हैं, यही बात बता करके मैं वाणी को विश्राम दूंगा। बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, दोनों अवतार परमात्मा का है, एक परमात्मा अपने आंख के अश्रु को गिरा रहे हैं और दूसरा परमात्मा अपने आंख में अश्रु को भरा है और यहाँ सुदामा की दीनता है और उधर जटायु का भी कष्ट है, यानी दोनों परमात्मा दुखी है, राम भी दुखी है और कृष्ण भी दुखी है। लेकिन बात क्या है, राम जी अपने नेत्रों में अश्रु भरे हैं कि जल भरी नयन और कहत रघुराई तो तात कर्मते और निज गति पाई। तो राम जी गिरा नहीं रहे हैं बल्कि भरे और सुदामा जी क्या कृष्ण भगवान गिरा रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो वहां पर राम वहां सुदामा जी के पैर को भगवान श्री कृष्ण आंखों के अश्रु से धोए। बात क्या है, क्योंकि परमात्मा दोनों दुखी है। लेकिन एक बात निवेदन करूं, व्यक्ति जब अधिक दुख में होता है तो भी अश्रु आता है और जब बहुत खुशी है बड़ा सुख है तब भी अश्रु आता है। व्यक्ति के जीवन में जब बहुत प्रसन्न होता है तब भी आंखों में अश्रु आ जाता है और जब बहुत दुखी होता है तो भी आ जाता है। लेकिन दोनों अश्रुओं में अंतर होता है, जो सुख का आंसू होता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन जो दुख का आंसू होता है वो गर्म होता है और वो खारा भी होता है। कभी भी आप लोग अनुभव करिएगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा मित्र पैदल चल करके आया है, हमारे मित्र का चरण सूज गया है, इस समय गर्म पानी और नमक की आवश्यकता है। मैं कहा किसे कहूं कि गर्म पानी ले आओ, कोई ज्यादा गर्म ले आएगा कोई गर्म कम ले आएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों से ही जितनी आवश्यकता थी उतना ही जल गिरा करके धो रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी का चरण सूज गया है और हम लोगों का भी जब पैर सूज जाता है तो गर्म पानी और नमक से सेकैया करते हैं।
तो आज रामा जी का पैर सूजा है, लेकिन इधर भगवान श्री राम क्यों नहीं गिरा रहे हैं? राम जी क्यों नहीं गिरा रहे हैं? क्योंकि जटायु जी का पंख सूजा नहीं, बल्कि जटायु का पंख कटा है। कि काटा से पंख पराख गधरनी, तो जटायु जी का पंख कटा है, और यदि किसी का कुछ कट जाए, वहां पर यदि गर्म पानी पड़ जाता है तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। इसलिए भगवान श्री राम अपने आंखों के अश्रु को गिरा नहीं रहे हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों के अश्रु को गिरा रहे हैं। कन्हैया ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया। उसके बाद कन्हैया ने से विदा मांग करके जब सुदामा जी आए, और जब वो अपने नगर में आए तो वहां सब अद्भुत था। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ प्रदान किया। मेरे कहने का अभिप्राय, यदि आप परमात्मा को अपना मित्र भी बना लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और मित्र वही मित्र है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और अपने मित्र के सुख से सुखी हो। इसलिए बाबा ने लिखा कि जिया जो मित्र दुख अहो न दुखारी, तो तीन ही बिलोकत पातक भारी। तो जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं, इसलिए आप अपने जीवन में एक ही मित्र बनाओ, लेकिन कर्ण की तरह बनाओ। एक ही मित्र बनाओ भगवान श्री राम की तरह बनाओ, एक ही मित्र बनाओ भगवान श्री कृष्ण की तरह बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। अब कथा एक दिन बची है, अब कल निवेदन कर देना चाहता हूं। अब स्थिति क्या है कि रहा एक दिन अवधि धारा, तो समुझत मन दुख अभय हूँ पारा। तो अब कथा एक दिन बची है। मैं सभी धर्मानुरागी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कथा का रसास्वादन करें। कल तक ये कथा जो एक भी दिन नहीं आया है, यदि कल आ जाएगा तो उसको भी फल मिल जाएगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला है। इसलिए आइए दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही सभी लोग अपने स्थान को जाइएगा। कि बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम।